गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। इट्स यूर EVS क्लास। प्लीज ओपन यूर EVS बुक्स। लेट्स स्टार्ट इट। टू डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन 15 एट पेज नंबर 71, आ ब्यूटीफुल क्लोथ। कपड़ों की दुनिया के बारे में आज पढ़ेंगे। वी ऑल नीड क्लोथ टू कवर अवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस। हमें बहुत सारे अलग अलग मौसम से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कवर करना होता है। अर्ली ह्यूमन्स यूज टू कवर प्रोटेक्ट देयर बॉडी विद लार्ज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन। जो पुराने मनुष्य थे, पुराने टाइम का मनुष्य था, वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्तों का और एनिमल स्किन का यूज़ करता था। ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक क्लोथ। धीरे धीरे उसने कपड़े बनाना सीख लिया। इन द ट्रीज बिगनिंग नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। स्टार्टिंग में कॉटन क्लोथ को यूज़ किया जाता था फाइबर को बनाने के लिए। स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, सो पीपल यूज द ड्रेप द कॉटन फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी। पहले वो स्टिचिंग नहीं जानते थे, इसलिए वो एक धोती टाइप अपनी बॉडी पे कवर करने के लिए कॉटन का फैब्रिक का उसको अपनी बॉडी से कवर करते थे। नाउडेज वी यूज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। वे गेट नेचुरल फाइबर्स इधर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमें बहुत सारी वैराइटीज मिलती हैं, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स से हम फाइबर कलेक्ट करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क। नेचुरल फाइबर कौन से हैं? कॉटन है, वूल और सिल्क है। कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है। वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। हमें वूल है जो वो शीप की चमड़ी से मिलती है, उसकी स्किन से मिलती है। सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वर्म। जो सिल्क है वो सिल्क वर्म होता है, एक कीड़ा होता है, उससे हमें सिल्क प्राप्त होता है। नायलॉन, टेरिकॉट एंड रेयन आर ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। रेयन है, नायलॉन है, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो ह्यूमन मेड है। फाइबर्स आर मेड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग करके धागे से फाइबर्स को बनाया जाता है। इन ओल्ड डेज, पुराने समय में, पीपल यूज टू स्पिन ऑन चरखा। पुराने समय में लोग चरखा पे स्पिन करते थे। बट नाउ स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। बट अब बहुत सारी स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता है। द यार्न इज वोवन इनटू क्लोथ्स एंड हैंड लूम्स और पावर लूम्स। यार्न को टू टाइप से वोवन किया जाता है, हैंड लूम से और पावर लूम से। क्लोथ इज देन डाइड विद कलर्स। अर्लियर नेचुरल डाइज मेड फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट वर यूज्ड। कपड़े को डाई किया जाता है कलर से, और बहुत ही नेचुरल डाइज हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। बट दीज डेज सिंथेटिक कलर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स आर यूज्ड। बट जो ह्यूमन मेड हैं सिंथेटिक कलर्स हैं, वो केमिकल्स की तरफ हेल्प से बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ डेकोरेटिंग फाइबर्स। बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज हैं जो हमारे फाइबर्स को डेकोरेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है एम्ब्रॉयडरी। इट इज़ डन यूजिंग थ्रेड्स, बीड्स एंड मिरर्स। इसमें बहुत सारे धागे, बीड्स और शीशे लगे होते हैं। इन बंगाल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कांथा इज़ वेरी फेमस। इनको कांथा बोला जाता है, जो कि बंगाल में बहुत फेमस है। So your first part of this lesson get completed, then tomorrow I will teach your second part of this lesson at page number 72. Thank you, have a nice day.